उमेश पाल शूटआउट केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को प्रयागराज पुलिस ने आज 6 घंटे तक अपनी कस्टडी में रखकर उनसे पूछताछ की। पुलिस सूत्रों का दावा है कि इन 5 आरोपियों से की गई पूछताछ में तमाम अहम जानकारियां सामने आई हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्रयागराज पुलिस की टीम सुबह 10 बजे से पहले ही नैनी सेंट्रल जेल पहुंच गई थी। वहां कोर्ट के आदेश को दिखा करके इन 5 आरोपियों को बाहर निकाला गया। उसके बाद इन आरोपियों को जेल से पुलिस लाइंस ले जाया गया, वहां इनसे देर तक पूछताछ की गई। शाम करीब 4 बजे तक पूछताछ हुई है। पुलिस की टीमों ने पहले इन आरोपियों से अलग अलग पूछताछ की, उसके बाद इन्हें आमने सामने बिठाया गया, आमने सामने कर पूछताछ की गई है। हालांकि इस दौरान इनके वकील भी पुलिस लाइंस में मौजूद थे, लेकिन उनके सामने पूछताछ नहीं की गई, उन्हें दूर बिठा दिया गया था। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में तमाम अहम जानकारियां मिली हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और इन खुलासों को जल्द ही मीडिया के सामने साझा भी किया जा सकता है। दरअसल प्रयागराज पुलिस ने कल ही CGM कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल कर कोर्ट से इन आरोपियों को 24 घंटे की रिमांड में दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने इन्हें सिर्फ 6 घंटे की कस्टडी रिमांड दी थी। इसी आधार पर प्रयागराज पुलिस ने आज सुबह 10 बजे से शाम करीब 6 बजे तक इन आरोपियों से पूछताछ की। हालांकि पूछताछ खत्म होने के बाद पुलिस ने इन्हें वापस CGM कोर्ट में पेश किया। इस दौरान इनकी जुडिशियल कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही थी। CGM कोर्ट ने इन आरोपियों की 2 हफ्ते की जुडिशियल कस्टडी रिमांड और बढ़ा दी है। ये आरोपी अब 18 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में जेल में रहेंगे। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने इन सभी आरोपियों को नैनी सेंट्रल जेल में वापस दाखिल करा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब पुलिस मीडिया के सामने जानकारी साझा करेगी तो क्या बताती है कि इन 5 आरोपियों से पूछताछ में किस तरह का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, पुलिस को किस तरह की कामयाबी मिली है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।